हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने राजनीति चमकाने के लिए कलेक्टर को थप्पड़ जड़ने की बात कह दी। शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित स्वर्गीय भगवत शरण माथुर जी की जयंती समारोह को संबोधित करते हुए जनार्दन ने कहा कि पहले के जमाने में कलेक्टर को थप्पड़ जड़ने वाले व्यक्ति का 2 साल का राजनीतिक करियर चमक जाता था, जिसके लिए हम भी कलेक्टर को थप्पड़ मारने का इंतजार करते रहते थे। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि किसी कलेक्टर को मारना नहीं है। और हम लोग को ये मानते थे कि कलेक्टर को अगर एक तमाचा मार दिया जाए तो साल भर की नेतागिरी, 2 साल की नेतागिरी पक्की हो जाती थी, और ताके रहते थे कि किस कलेक्टर को मार देना है, एक तमाचा है। ये हम लोगों का काम था और अक्सर मौका मिल जाता था किसी कलेक्टर को काल पकड़ लेना, किसी को एक तमाचा मार देना, किसी को कमिश्नर को कुर्सी से सौंप दीजिए। इसलिए तुम्हारा टेरर कायम है, लेकिन अब किसी कलेक्टर को मारना नहीं है।